एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पूरी प्रतिक्रिया में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सिर्फ 2 से 3 मिनट में बनने वाली कंडेंस मिल्क की रेसिपी। इसकी सारी सामग्री आपको घर में आसानी से मिल जाएगी और ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए अब इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप पाउडर शुगर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून बटर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप वाटर। मैं इस वीडियो में आपको 2 तरीके से कंडेंस मिल्क बताने वाली हूँ, 1 माइक्रोवेव में और दूसरा गैस स्टोव पर, सेम इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले माइक्रोवेव में बनाते हैं। 1 बाउल में मिल्क पाउडर डाल लें, फिर पाउडर शुगर डाल लें, फिर कॉर्नफ्लावर डाल लें, बेकिंग सोडा डाल लें, तो इन चारों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें बटर डाल लें, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। पानी डालें, हमें एक बार में पूरा पानी नहीं डालना है वरना इसमें लंप्स बन जाएंगे और हमें इस बोल में लंप्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें इसका बोल बिल्कुल पतला रेडी करना है, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। आप देख सकते हो कितना पतला गोल तैयार हुआ है, हमें इसी तरह का गोल रेडी करना है। अब इसे माइक्रोवेव में फुल टेम्परेचर पे 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे। 1 मिनट मैंने गर्म कर लिया है, अब इसे चेक करते हैं। ये अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी इसे 1 मिनट और गर्म करेंगे। मैंने इसे 1 मिनट और गर्म कर लिया, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसे थोड़ा पतला गोल देख सकते हैं, लेकिन ये ठंडा होने पे बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। जब तक ये ठंडा होता है तब तक दूसरा कंडेंस मिल्क रेडी कर लेते हैं। एक दूसरे बाउल में मिल्क पाउडर डालें, फिर पिसी हुई चीनी डालें, फिर कॉर्नफ्लावर डालें, फिर बेकिंग सोडा डालें और इन्हें मिक्स कर लें। बटर डालें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, हमें एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है और इसका घोल भी हमें बिल्कुल पतला रेडी करना है, सेम तरीके से जैसे माइक्रोवेव में कंडेंस मिल्क बनाने के टाइम किया था। इसका घोल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है। अब एक नॉनस्टिक पैन को गर्म कर लें, फिर इसमें ये घोल डाल दें। घोल को 30 सेकंड के लिए गर्म होने दें। हो चुका है, अब इसे लगातार चलाते रहें। नॉनस्टिक पैन अगर आप यूज करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जल्दी नीचे से जलता नहीं है। हमें इस बोल को लगातार चलाते रहना है और किनारे में जो मलाई जम जाती है उसे भी निकालते रहें और इस बोल में वापस डालते रहें, ताकि किनारे से भी ये बोल ना जले, जलने से इसका स्वाद खराब हो जाएगा।
लगातार चलाते रहें। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। डिफरेंस है कि माइक्रोवेव में ये 2 मिनट में रेडी हो जाता है और डेस्कटॉप में ये 3 मिनट में रेडी हो जाता है। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब फ्लेम को बंद कर दें और ये रेडी हो चुका है। मैंने दोनों को ठंडा करके एक दूसरे बॉल में निकाल लिया है। फर्स्ट वाला माइक्रोवेव में बनाया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का है ये, और सेकंड वाला गैस स्टोव पे बनाया है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल मार्केट जैसा है। और आप इसे 15 दिन फ्रिज में स्टोर करके एक ग्लास जार में रख सकते हैं। आप इसे ज़रूर से बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएं।